हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 का एग्जाम आपका 29 जुलाई को है, तो मात्र आप लोगों के पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए जीके एंड हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ला रहा हूँ। अगर आप लोग भी यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 का फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप लोग मेरी सारी वीडियोस को देखते रहें। 30 दिन आपके पास समय है। मैं जीके और हिंदी के लगभग सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, जो जो यानी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और जिन क्वेश्चंस की पूछने की संभावना रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 चैप्टर को डिस्कस करूँगा। ये वीडियो आपका 10 मिनट का होगा। अगर आपका इससे ज़्यादा जाता है तो 12 से 13 मिनट हो जाएगा। अगर आप लोग 10 मिनट की वीडियोस देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर्स लिए हैं इन चैप्टर से आपके क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होगा, तो 5 इसमें मैंने चैप्टर लिए हैं तो आपका 10 नंबर फ्री का हो जाएगा। तो वीडियोस को आप लोग एंड तक देखते रहें। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानियां हो रही हैं यूपी बीएड से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनली पूछना है तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। तो इसमें मैंने टॉप 5 अम्ल और स्रोत को लिया हूं। अगर आप लोग इनको याद कर लेते हैं तो इसी में आपको क्वेश्चंस 100% मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला है लाल चींटियों और बिच्छू के डंग, यानी कि लाल चींटियों और बिच्छू के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। ज़्यादातर अगर पूछा जाता है फार्मिक अम्ल के बारे में तो लाल चींटियों से ही पूछा जाता है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको फार्मिक अम्ल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नींबू और संतरा, यानी कि नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। ये वाला बहुत रिपीट हुआ करता है, नींबू और संतरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है इमली और अंगूर, इमली और अंगूर दोनों में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध, यानी कि मिल्क, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इन 5 को आप लोग ज़रूर याद कर लें। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में नोट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको रिविज़न करती रहिएगा। एक और बता दे रहा हूँ, जैसे कि मानव मूत्र, तो मानव मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये था। दूसरा देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका पुस्तकें और लेखक से क्वेश्चंस ना आए तो एग्ज़ाम तो बेकार ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 14 इसमें मैंने बुक्स के नाम लिए हैं और उनके लेखक के नाम, तो इनको आप लोग जरूर नोट करिएगा। पहली पुस्तक है हमारी अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चांडक्य। दूसरी पुस्तक है इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तीसरी है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। नेक्स्ट है पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। इसमें आप लोग देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों अबुल फजल की पुस्तकें हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। मालगुड़ी डेज, तो ये आर के नारायण की है। गोदान और गबन, ये मुंशी प्रेमचंद की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इनके सामने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनको इंपॉर्टेंट ही मान के चलें। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट है जो कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। और नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं। तो ये थे टॉप 14 पुस्तक और उनके लेखकों के नाम। तो जितने भी मैंने पुस्तकों के नाम लिए हैं
इनको आप लोग अच्छे से नोट करके आप लोग रिवीजन करते रहें। जो कि तीसरा चैप्टर हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% इसी में से आपको मिल जाएगा। बस आप लोग ध्यान से वीडियोज को देखते रहें। चैप्टर का नाम है आपका प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप लोग जरूर याद कर लें क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यूपी से एग्ज़ाम है तो आपका स्टेट से पूछा जा सकता है, तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये थे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से, आप लोग जितने भी इसमें मैंने करवाए हैं आप लोग अच्छे से नोट कर लें, बस आप लोग रिविजन करते रहें, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर। कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस ना आए तो बेकार ही है। अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना आए तो आप हमारे चैनल को डिसलाइक करके और अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, क्योंकि मैं भी कई एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ और लास्ट में मेरा सिलेक्शन से रुक जाता है और कई एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया है, तो एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम डिस्कस करते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर, जो कि पहला हमारा गेट ऑफ इंडिया। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है आपको मुंबई में याद रखना है। जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में स्थित है। डल झील आपकी श्रीनगर में स्थित है। निशांत बाग आपका श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग आपका श्रीनगर में है। रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सीकरी में है, इसको भी आप लोग जरूर याद करें। नेक्स्ट है सारनाथ, सारनाथ आपका वाराणसी में है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम चेन्नई में स्थित है। हेलीबिड आपका बेलूर कर्नाटक में है। सांची स्तूप भोपाल में है, इसको आप लोग जरूर याद करें। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर आपकी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होता जाते हैं सूर्य मंदिर और स्वर्ण मंदिर में, तो सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर, तो ये गुजरात में है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें उसी को मैं बता रहा हूँ। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। इसमें से और जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर आपकी मदुरई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वृहदेश्वर मंदिर आपकी तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नटराज चिदंबरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर कश्मीर में है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है वैष्णो देवी मंदिर, आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। विलियम फोर्ट कोलकाता में है। हवा महल जयपुर में है। तो ये थे प्रसिद्ध स्थल और स्मारक। तो इनमें से आप लोग इन सारे जो जो स्मारक और थे इनको आप लोग नोट कर लें कॉपी में और फटाफट रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा जो कि लास्ट है पांचवा, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस ना पूछे जाएं तो बेकार ही है। तो चलिए देखते हैं, टॉप 8 संगठन को मैंने लिए हैं। हम जानेंगे इसमें संगठन के बारे में और उनकी स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय कहाँ पे है। तो टॉप 8 हैं, इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है IMF, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। आपको दोनों सेम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन था विश्व बैंक, ये वाला नहीं था, WHO का पूछा गया था पिछली बार, इसको आपको याद रखना है। WHO वाला पूछा गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका जो मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO,
ये 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेस यानी कि सार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में स्थित हुई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है 1946 में हुई थी, इसका मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना इसकी हुई थी। तो ये थे टॉप 5 चैप्टर्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इन टॉप 5 क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर्स को डिस्कस किया है, अगर आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करते हैं, नोट करके रिवीजन करते हैं, तो अगर इन चैप्टर से पूछे जाते हैं तो आपका क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस को लिए हैं, जो क्वेश्चंस हैं बार बार क्वेश्चंस या तो रिपीट होते हैं या तो उन क्वेश्चंस की आने की संभावना होती है। तो बस आप लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन करते रहें। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस पूछना है UPBSC से रिलेटेड, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो, फीस से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कतें हैं, तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे UPBSC से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं उसकी वीडियोस लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे UPBSC से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लाइक करिए, इससे मुझे हौसला मिलता है। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं।